तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल वी लव ट्रैवलिंग में। तो आज हम करने वाले हैं वेगा बोल्ट और एग्जॉर के हेलमेट का कंपैरिजन, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या क्या फ़र्क है इन दोनों हेलमेटों के ऊपर। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि उससे मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने इस हेलमेट के बारे में, जो कि है वेगा बोल्ट सुपर हीरो एडिशन। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हेलमेट की लुक के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा मेरे इस हेलमेट को तो इस वाले हेलमेट को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है SB27 विंग्स के साथ में। इसके भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई इसकी लुक कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में बाद में बातचीत करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इस हेलमेट के बारे में और एग्जॉर के इस वाले हेलमेट के बारे में, जो कि एग्जॉर का हंटर है। तो दोस्तों साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस हेलमेट के बारे में। इस हेलमेट में मिलता है आपको सिंगल वाइजर, जो कि मर्करी वाइजर इसके साथ में आपको मिलता है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ मिल जाती है आपको रिमूवेबल पैडिंग, जो कि पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है अंदर से, उसके बाद आप इसको आराम से इजीली वॉश कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ मिल जाते हैं आपको यहाँ पे एयर वेंट, जो कि ये एडजस्टेबल है। यहाँ पे ओपन का यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको ओपन, तो ये जैसे आप इन्हों को जैसे चाहो आप इन्हों को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो साथ ही साथ जो इसका ये फ्रंट का जो एयर वेंट है वो भी एडजस्टेबल है, जैसे कि अभी ये ओपन है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, और आप इसको दोबारा नीचे करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो दोस्तों इस हेलमेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हेलमेट है सिंगल शेल हेलमेट है, जो कि हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें इस हेलमेट की लुक के बारे में, इस हेलमेट की जो लुक बढ़ाता है इसका जो स्पॉइलर है वो इसकी लुक बढ़ाता है। इसका जो स्पॉइलर आप देख ही सकते हो, छोटा सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा। यहाँ मिल जाता है आपको ISI और DOT सेटिस्फाइड के साथ में। और दोस्तों साथ ही साथ बात कर ले इस हेलमेट के वेट के बारे में, 1350 ग्राम का ये हेलमेट होने वाला है। जो बात करी जाए यहाँ पे इसके लॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में, जो कि है क्विक रिलीज, आराम से इजिली लग जाता है और आराम से इजिली इस पट्टे को पकड़ के खींचेंगे आप तो इजिली खुल जाता है। बात करी जाए इस हेलमेट के प्राइस के बारे में, इस हेलमेट का जो प्राइस है वो आपको पड़ने वाला है 1600 या 1700 का। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो इसको। बाकी इस प्राइस के हिसाब से ये जो हेलमेट है वेगा के जो हेलमेट्स हैं, बस इस प्राइस रेंज में वेगा ही है जो ISI और DOT सेटिस्फाइड हेलमेट प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। और मतलब यार ये हेलमेट की क्वालिटी अगर आप बात करी जाए इस हेलमेट की क्वालिटी के बारे में, इस हेलमेट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करी जाए इसके वाइज़र के बारे में, अगर ये वाइज़र आपका गंदा हो गया है, टूट गया है, तो किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हेलमेट वाले के पास जाने, आराम से आप अपना वाइज़र खरीद के लाइए, इसको यहाँ से पकड़िए, खींचिए और ये आपका जो वाइज़र है ये रिमूव हो। ये दोस्तों आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ये वाइजर आपका रिमूव हो जाएगा आराम से इजीली। तो आप इसको घर पे भी आराम से लगा सकते हैं और इसको वापस लगा के ऐसे टाइट कर दीजिए, हेलमेट का वाइजर है वो आपके साथ में लग जाता है। तो दोस्तों साथ ही साथ कर लेते हैं एग्जॉर के हंटर के बारे में। दोस्तों जाहिर सी बात है इन दोनों का कंपेरिजन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये 1600-1700 का, ये 4000-5000 की रेंज, एग्जॉर है। सबसे पहले एग्जॉर में सबसे पहले दिख जाता है आपको यहाँ पे एक्स बना हुआ, जो एग्जॉर की सबसे तगड़ी पहचान है, यहाँ पे एक्स बनाओ दिख जाता है। और यहाँ पे मतलब इसका स्पॉइलर इसकी लुक के हिसाब से बंदे देखते ही बता देते हैं कि हाँ भाई कोई महंगा सा हेलमेट है, कोई मतलब है कुछ चीज़ बनाई है एग्जॉर वालों ने, चीज़ के साथ साथ भाई प्राइस भी वैसा ही रखा है। और दोस्तों बात करी जाए इसके वाइजर के बारे में, इसके साथ में आपको अलग अलग वाइजर्स मिल जाते हैं आप, जो कि बाहर से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, और खुद ही वाइजर को एडजस्ट कर सकते हैं। बस वही सेम सीन है दोस्तों, वही सेम फीचर्स हैं, आपको यहाँ से बटन मिल जाता है, इसको पकड़ के यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचेंगे, खींचते ही वाइजर आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों एग्जॉर की सबसे अच्छी बात है कि आपको इस हेलमेट के साथ में सनशेड्स भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे इसके बटन मिल जाता है, इस बटन को आप जैसे पीछे की साइड खींचेंगे आपके जो सनशेड्स हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, आप बटन को दोबारा पुश करेंगे तो आपके सनशेड वापस अंदर चले जाते हैं। और ये जो और दोस्तों साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके टिंटेड वाइजर के बारे में, यार देखो यहाँ पे देखो इसके देखो छोटे 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 से मतलब, तो दोस्तों इस वाइजर के ये छोटे छोटे जो डॉटेड हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहीं मुझे नहीं पता ये किस लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों बात करें इस हेलमेट के एयर वेंट्स के बारे में, ये भी एडजस्टेबल हैं, आप इनको आराम से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों बात करी जाए इसकी सर्टिफिकेशन की, तो DOT ISI और EC सर्टिफिकेशन के साथ में आपको ये हेलमेट मिल जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करी जाए इस हेलमेट की पैडिंग के बारे में, इस हेलमेट की जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों इसकी जो पैडिंग है वो भी रिमूवेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो पैडिंग है, यहाँ से आप इसको पकड़ के इधर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो पैडिंग है इसकी ये भी यहाँ से रिमूवेबल है, आप इसको पकड़ेंगे और ये सारा निकल जाता है, उसके बाद आप इसको ईजिली आराम से वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ देख सकते हो आप एग्जॉर की इस हेलमेट की
ग्राफिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरी टी शर्ट से भी मैच कर रहा है। और दोस्तों बात करी जाए इन दोनों हेलमेटों के बारे में, तो ये जो है आपका वेगा बोल्ट, ये आपका सिटी राइड के लिए और लॉन्ग राइड के लिए भी ठीक, लॉन्ग राइड के लिए भी ठीक, सिटी राइड के लिए एकदम बेस्ट हेलमेट है वेगा बोल्ट। और बात करी जाए लॉन्ग राइड के लिए, तो दोस्तों सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो आपका एग्जोर का जो हेलमेट है ये ज़्यादा बेस्ट। तो बात करी जाए इन दोनों हेलमेट के बारे में, तो दोस्तों अगर जैसे आप हाईवे पे बाइक चलाते हैं 100 120 या मतलब जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो ये जो हेलमेट है पहनने के बाद में मतलब हिलता डुलता नहीं है, और इसकी जो विंड नॉइज़ है वो काफ़ी कम आती है, लाइक बहुत ना के बराबर विंड नॉइज़ आती है। और साथ ही साथ बात करी जाए वेगा बोल्ट के बारे में, तो ये अगर 100 120 जाते हैं तो वेगा बोल्ट जो है वो हल्का फुल्का मतलब शेक होने लग जाता है, हवा एयर फ्लो जो होता है ना, जैसे कि आप 80 90 100 पे चलते हैं एयर फ्लो होता है, तो आपका जो ये वेगा बोल्ट है वो थोड़ा सा शेक करने लग जाता है, और इसके अंदर जो विंड नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और विंड नॉइज़ किस लिए आती है, क्योंकि इसका जो चिन पैड है वो छोटा सा है, और दोस्तों इसका जो चिन पैड है वो थोड़ा बड़ा है, ये जो आपकी जो है उसको पूरा कवर कर लेता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो है इसका जो ये चिन पैड है ये छोटा है, तो आपके पूरे जो को कवर नहीं कर पाता, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा विंड नॉइज़ आती है, और इसके अंदर विंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ देना, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।